हेलो एवरीवन, आज हम आए एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम सीखेंगे कि लौकी का हलवा कैसे बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। लौकी का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए काजू, बादाम, पिस्ता और खोपरा, घी, शक्कर और हरी इलायची, मावा या खोआ और लौकी, इसे हम दुधिया भी बोलते हैं। लौकी का जो साइड का डंठल है उसे कट कर लेना है। उसके बाद में उसके ऊपर का छिलका अच्छी तरह से निकाल लेना है। तो देखिए, अच्छी तरह से छिलका निकाल लिए हैं। अब इसको हम छोटे छोटे पार्ट में कट कर लेंगे, जिससे हम ग्रेटर से ग्रेट अच्छी तरह से कर लें। ग्रेटर की मदद से हम लौकी को ग्रेट कर लेंगे। चारों तरफ हमें ग्रेट कर लेना है। लौकी के जो हरे पार्ट होते हैं उसको ही हमें ग्रेट करना है, और जो अंदर के पार्ट होते हैं वाइट कलर के उसको हम ग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बीज होते हैं। बचे हुए वाइट पार्ट का हम सब्जी भी बना सकते हैं। इसी तरह सारे लौकी को हमें ग्रेट कर लेना है। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और ग्रेट किए हुए लौकी को उसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए, जो लौकी में एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है और लौकी एकदम से सूख गई है। तो उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे दूध। दूध डालने के बाद में हम अच्छी तरह से चला लेंगे और ढक देंगे और एकदम लो फ्लेम कर देंगे, ताकि धीरे धीरे हो, और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे हम। तो देखिए, दूध और लौकी एकदम मिक्स हो गए हैं और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इसे। प्लेट में निकालने के बाद में हम कढ़ाई में घी डाल लेंगे। घी थोड़ा गर्म होने के बाद में हम डालेंगे इलायची। आप इलायची पीस के भी डाल सकते हैं। साथ में आपको कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डालना है। ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा लाल होने दें।
दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में उसके अंदर हम ऐड करेंगे शक्कर, शक्कर डालने के बाद में हमें अच्छी तरह से चला लेना है और थोड़े टाइम के लिए हमें ढक देना है। लास्ट में हमें ऐड करना है मावा। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमारा लौकी का हलवा बनके तैयार हो गया है। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करना।